आज हमें नाइन्थ के मैथ्स का चैप्टर नंबर वन का एक्सरसाइज 1.3 करना है। तो इससे पहले हम 1.1 और 1.2 कर चुके हैं, आज हमें 1.3 करना है, ठीक है। और 1.3 के अंदर जो हमें सीखना है, सबसे पहले जो हमें सीखना है वो है डेसिमल एक्सपेंशन। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। हिंदी में कहें तो दशमलव प्रसार, आज हमें सीखना है दशमलव प्रसार, ठीक है। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ये दो तरह का होता है। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अगर इसे हिंदी में लिखें तो हिंदी में कहते हैं इसको शांत दशमलव, शांत दशमलव, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसको हिंदी में कहते हैं अशांत दशमलव, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो भाई जैसा कि इनका नाम है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, हमें इनके नाम से पता चल जाता है कि ये कैसे हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होता है जब किसी फ्रैक्शन को आप जब डिवाइड करते हैं और वो पूरी तरीके से कट जाते हैं, और मतलब उनकी पॉइंट की एक फिक्स वैल्यू आती है जो खत्म हो जाती है कहीं पे, उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। जैसे मैं अगर एक वैल्यू लिखूँ 3/4, ये एक हमारा रैशनल नंबर है 3/4, अब मैं इसको डेसिमल में चेंज करूंगा, ठीक है। आपको यही सीखना है इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज के अंदर आपको यही सीखना है कि फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे चेंज करें और डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें, तो वही चीज़ें आपको सीखनी है। फिलहाल इसमें हम अगर करें ये फ्रैक्शन फॉर्म में, इसे हमें डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो डेसिमल में कैसे चेंज होता है कि भाई डिवाइड करना है हमें इसमें, 4 जो नीचे रहता है वो यहाँ पे बाहर आता है, और जो ऊपर रहता है वो कहाँ आता है, अंदर। नीचे वाला बाहर रहता है, ऊपर वाला अंदर, ठीक है। तो इसे हम डिवाइड करेंगे, देखेंगे तो 0 पॉइंट, जब 0 पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, ठीक है। और आप इसको डिवाइड करेंगे, 4 7 जा 28, बचेगा 2, ठीक है, फिर से 0 आ जाएगा, और 4 5 जा 20, तो ये ख़त्म हो गया, ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और 3/4 की वैल्यू निकल के क्या आई, 0.75, ठीक है। तो ऐसे रैशनल नंबर का जब हम डेसिमल में चेंज करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसी को बोलते हैं, क्योंकि ये खत्म हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो जब ये खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो इसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं शांत दशमलव। ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ऐसे ही हम और भी कुछ कुछ भी ले सकते हैं। अगर मैं ले रहा हूँ 2/5, तो आप देख सकते हैं 2/5, हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट ऐसे कर दिया और इसको अंदर भेज दिया, ठीक है। आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं, आप 5 से 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 5 4 जा 20, और ये ख़त्म हो गया। तो यहीं पे आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 0.4, आगे नहीं बढ़ा ये। तो इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हमें करना है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग भी आगे जाके दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये क्या होते हैं भाई, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को हिंदी में कहते हैं अनवसानी आवृत्ति,
दशमलव प्रसार। और इसको कहते हैं हम अनवसानी, अनावृत्ति। दशमलव प्रसार ठीक है। एक होता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये भाई कौन होते हैं ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होता है? ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कभी खत्म ना हो पर हमेशा रिपीट होता रहे, उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा 1/3, अब मैं इसको डेसिमल में चेंज करता हूँ, इस 1 को हम अंदर लिखेंगे ठीक है। अब ये भाई डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो 0 पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, क्या आ जाएगा 0। और ये 3 के टेबल से हम करेंगे तो 3 3 जा 9, बचेगा 1, फिर से क्या आ जाएगा 0, फिर 3 3 जा 9, फिर क्या बचेगा 1, फिर लगाएंगे 0, फिर 3 3 जा 9, फिर ये मतलब ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगा और ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। तो लगातार इसमें क्या रिपीट हो रहा है, इसमें रिपीट हो रहा है 3 3 3 3 ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन ठीक है। तो अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कैसे होता है डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम समझे, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होते हैं जिनमें क्या नाम है, जो पैटर्न वाले नंबर्स होते हैं ठीक है, वो कभी रिपीट रिपीट भी नहीं होते और कभी खत्म भी नहीं होते ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जो कभी खत्म नहीं होते, और नॉन रिकरिंग यानी रिपीट भी नहीं होते। रिपीट भी कैसे नहीं होते, अगर मैं जैसे लिखूं एक एग्जांपल आपके सामने, 0.10 110 1110 1110, तो कुछ इस तरीके के नंबर्स ठीक है। यहां पे हम देख सकते हैं कि ये रिपीट नहीं हो रहे ठीक है। रिपीट कैसे नहीं हो रहे, आप कहोगे तो रिपीटिंग जैसे लग रहे हैं, पर नहीं। रिपीटिंग का मतलब है कि हर उतने ही देर बाद, मतलब उतने ही डिजिट बाद वो नंबर वापस आ जाना चाहिए ठीक है, पर यहाँ पे हर बार उतने ही डिजिट बाद कोई नंबर वापस नहीं आ रहा, तो ये रिपीटिंग नहीं है। जैसे 10, फिर से अगर 10 होता तो हम उसको रिपीटिंग बोलते, पर यहाँ पे 10 नहीं है, यहाँ 110 है ठीक है। फिर उसके बाद 1110 है, तो ये रिपीटिंग नहीं है और ये ऐसे ही चलते जाएंगे हमेशा ठीक है। तो ये हमारे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स ठीक है। ऐसे आप कुछ भी बना सकते हो, ये जरूरी नहीं है, ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो। जैसे मान लेते हैं 5 3 5 3 3 5 3 3 3 3, 5 3 3 3 3 3, ऐसा कुछ भी, ऐसा कोई सा भी आप नंबर बनाते हैं तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स ठीक है। और यही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर जो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। हम बात कर रहे थे पिछले 2 एक्सरसाइज से, बात कर रहे थे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स क्या होते हैं, और मैंने कहा था मैं आपको इसको 1.3 में समझाऊंगा। तो ये वही होते हैं, ये रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वो होते हैं जो कभी रिपीट भी नहीं होते और कभी खत्म भी नहीं होते ठीक है। और ये एक तरह के इरेशनल नंबर्स होते हैं ठीक है। एक तरह के कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर्स ठीक है। तो इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका रूट वाले नंबर्स होते हैं, पाई होता है, और तीसरे ये होते हैं ठीक है। तो ये तीसरा जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स हैं, ये आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। यहाँ ये वाले और ये वाले रैशनल नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन, ये वाले, ये दोनों आपके कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं ठीक है। ये रैशनल है, ये जो होता है ये रैशनल नंबर्स होते हैं, और ये भी रैशनल नंबर्स होते हैं, और ये जो होते हैं हमारे ये इरेशनल होते हैं ठीक है। ये हमारे इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या होते हैं, ये दोनों अपरिमेय संख्या होते हैं, दोनों परिमेय संख्या होते हैं, वो अपरिमेय संख्या होता है ठीक है। तो यहां तक समझ में आया होगा आपको। इसके आगे अब हमें सीखना है डेसिमल, ये तो हमने कर लिया कि फ्रैक्शन से डेसिमल ठीक है, ये फ्रैक्शन से डेसिमल है, उस वो तो रैशनल है ही नहीं, तो उसमें हम फ्रैक्शन से डेसिमल नहीं सीखेंगे ठीक है। अब हमें सीखना है डेसिमल टू
फ्रैक्शन, कि डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, उनको फ्रैक्शन में चेंज करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। कैसे करते हैं हम किसी फ्रैक्शन वाले मतलब नंबर को, यानी कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं उनको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। अगर हम देखें 0.326 मान लेते हैं, मैंने ये लिखा, इसे मुझे फ्रैक्शन बनाना है, ठीक है ना, यानी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करते हैं भाई, ये 326 का 326 लिखेंगे, इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट की जगह नीचे लिखते हैं 1, और उसके पीछे जितनी डिजिट होते हैं उतने 0 लगा देते हैं। तो ये हो गया चेंज आपका फ्रैक्शन में, ठीक है। अब इसको हम सिंपलीफाई कर देते हैं, जितना कट सकता है उतना काट लेते हैं इसको। जैसे अगर हम 2 के टेबल से काटें, 2 1 जा 2, फिर बचेगा 1, 2 6 जा 12, फिर बचेगा 6, तो 2 3 जा 6, और नीचे कितना आ गया भाई 500। और कट सकता है तो नहीं कट सकता, ठीक है। तो बस ये आ गया हमारा 163/500। ऐसा मैं कोई एक और एग्जांपल ले लूँ, कुछ भी ले लेते हैं, 0.429 ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको आपको चेंज करना है, तो 429 का 429 और अपॉन में पॉइंट की जगह 1, उसके पीछे 3 डिजिट है तो 3 0, जितने पॉइंट हो उतने आप पॉइंट का जितने डिजिट हो उतने लगाने हैं, ठीक है। ये कट रहे हैं तो काट लेना, वैसे तो नहीं कट रहे तो आप इनको छोड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर मैं एक और ले लूँ, 3.17 ऐसा कुछ ले लेते हैं, इसको करना है तो 317, पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट, तो 20। तो ये आपका जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उनको इस तरीके से चेंज किया जाता है फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। अब हम सीखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स जो होते हैं उनको हम कैसे फ्रैक्शंस में चेंज करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके आएगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स होते हैं उनको कैसे डेसिमल में चेंज करते हैं, ये आपके एग्जाम्स में आता है, तो इसको आप ध्यान से सीख लेंगे। तो अब इस वाले ये क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें आपको दिया हुआ है कि शो दैट 0.3333 और वो आगे कंटिन्यूसली चल रहा है। तो जब भी ऐसे कुछ रिपीट होता है लगातार तो हम उसे क्या लिखते हैं, जैसे 0.33 लगातार चल रहा है तो मैं इसको लिखूंगा 0.3 बार, ठीक है। जिस जो रिपीटिंग नंबर होता है उसके ऊपर हम ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं उसे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बार, इसे बार बोला जाता है। और इसका मतलब होता है कि वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.3 बार का मतलब है कि ये 3 रिपीट हो रहा है। अगर मान लो 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 0.27 27 27 ऐसा होता तो मैं लिखता 0.27 बार, ठीक है। तो ये बार दोनों के ऊपर आ जाता। अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो तीनों के ऊपर बार आ जाएगा। इस बार का मतलब होता है रिपीटिंग, ठीक है। अब इनको हमें क्या लिखना है, यहाँ पे देखना है कि शो दैट 0.3333 यानी 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, ठीक है। कि इसको p अपॉन q में हम चेंज कर सकते हैं व्हेन वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है। जहां पे p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 और q जो है 0 के बराबर नहीं है। तो ये कैसे करते हैं देखेंगे, यानी कि हमें इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है p अपॉन q के फॉर्म में। तो p अपॉन q में इसको कैसे चेंज किया जाए, सबसे पहले जो हमें दे रखा है ना नंबर उसे हम लेट कर लेते हैं x के इक्वल, लेट x बराबर है 0.3 बार या 333, जरूरी नहीं है आप हर बार 4 बार ही 3 लिखो, ये रिपीटिंग का मतलब है आप, ये इनफाइनाइट बार हो रहा है, ठीक है। तो हमने ऐसे डॉट डॉट लगा दिया, इसका मतलब है कि वो आगे बढ़ रहा है लगातार, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। अब कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, तो भाई 1 डिजिट रिपीट हो रही है। कई लोग बोल देते हैं 3 रिपीट हो रहा है, नहीं 3 तो रिपीट हो रहा है पर डिजिट कितनी रिपीट हो रही है, सिंगल डिजिट 3 ये रिपीट हो रही है, ठीक है। सिंगल डिजिट 3 ये बार बार रिपीट हो रही है, एक
बार बार वही डिजिट बार आ रही है। तो हम क्या करते हैं, जितने डिजिट आती है वन के पीछे उतने जीरो लगा के मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, कि मल्टीप्लाई बाय वन के पीछे कितने जीरो लगाएं, एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 1 0, 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 2 0, 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो 3 0। तो फिलहाल हम क्या कर देंगे, एक के पीछे 1 0 यानी 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस एक्स को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये बन जाएगा 10x, और इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3.333, यानी एक डिजिट से, ये 10 से मल्टीप्लाई करने पे एक नंबर जो है वो पॉइंट से इधर आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे पॉइंट जो है वो राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और डिवाइड करने पे वही पॉइंट जो है वो लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो आपने मल्टीप्लाई किया 10 से तो ये राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी एक इधर चला गया, ठीक है, तो ये 3.33 बन गया, ये इक्वेशन नंबर हो गया आपकी 2। अब आपको करना क्या है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो इसमें से इसको घटा देना है, हर बार आपको ऐसे ही करना है, सेम जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जितने भी क्वेश्चन हुए हैं आपके सेम प्रोसेस से होंगे, एक ही तरीके से होने हैं, कुछ भी इनमें अलग नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें अब हमें क्या करना है, तो अभी हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें भी सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10x में से माइनस कर देना है x, और इधर 3.333 में से माइनस कर देना है 0.333, इसको माइनस कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो 10x में से x गया तो 9x। कई लोग होते हैं जो 10x में से x माइनस करते हुए x में से x कटा के सीधा 10 लिख देते हैं, नहीं, आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि 10x में से 1x माइनस करे तो 9x, कई लोग इसको क्या करते हैं, काट देते हैं, x से x काट देते हैं, तो वो नहीं करना है आप लोगों को। आपको याद रखना है कि x कोई डिजिट है तो उसको आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही लेके चलना है, यानी कि 10x में से 1x गया तो 9x, और यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो पीछे का देखेंगे सेम है, ये 3 में से 3 माइनस होगा 0, इस 3 में से भी 3 माइनस होगा 0, 3 में से 3 माइनस होगा 0, पीछे का पूरा 0 आ जाएगा, पर जब इस 3 में से इस 0 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 3, और पॉइंट के पीछे का सब 0 हो चुका है तो उसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये x बराबर ये 9 जो है इसके अपॉन में चले जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3/9, और आप इसको काटेंगे तो ये बन जाएगा 1/3, तो x की वैल्यू आ गई 1/3, तो ये हो गया आपका p/q के फॉर्म में चेंज हो गया, जो आपने स्टार्टिंग में आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर था उसको आपने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, वही यही आपको इस क्वेश्चन में करना था कि p/q के फॉर्म में चेंज करना था, तो बस ये आपका आंसर है, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, तो आपका जो एग्जाम्पल नंबर 8 है उसमें लिखा हुआ है कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे अभी एग्जाम्पल नंबर 7 था, उसमें 0.3 बार था, उसको आपको p/q के फॉर्म में चेंज करना था, इसमें आपके पास है 1.27 बार, 1.2727 ऐसे चल रहा है, तो इसको आप लिखेंगे 1.27 बार, ठीक है, जहाँ यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है, 27 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे तो मैंने क्या बताया था, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल एक उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है। सबसे पहले हमने क्या किया था कि उसको x के बराबर मान लिया था, इसको किसके बराबर मान लिया था, x के बराबर, तो यहां भी हम करेंगे 1.2727 डॉट डॉट इसके बराबर मान लेंगे हम इसे, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि जितने डिजिट रिपीट होते हैं एक के पीछे उतने जीरो लगा के हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो यहां पे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं भाई, 2 डिजिट, ये एक 2 और एक 7, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं बार बार, वही 2 डिजिट बार बार आएंगे, तो 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 1 के पीछे 2 0 लगा दो, यानी कि क्या लगा बन जाएगा ये 100, तो इनको किससे मल्टीप्लाई करना हमें 100 से, ठीक है, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं इसलिए 1 के पीछे 2 0 लगाएंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100x बनेगा, और यहाँ पे करेंगे तो दो यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में, तो 2 डिजिट जब शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में तो ये बन जाएगा 127.2727, ये बन जाएगा, ठीक है, 2 डिजिट, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट के उधर पॉइंट चला जाएगा, ये वाला जो पॉइंट यहां पे था आपको दिख रहा होगा, ये पॉइंट इसको हम यहां पे भेज देंगे,
ठीक है, दो डिजिट शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब ये यहां पे आ गया, फिर से वही इक्वेशन वन को घटा देना इक्वेशन टू में से, इस बार 100x में से 1x को माइनस करेंगे और इधर 127.2727 में से माइनस करना है 1.2727, इनको माइनस करना है। ठीक है भाई, तो 100x में से 1x माइनस करोगे तो बचेगा 99x। ठीक है, कितना बचेगा 99x, और इधर कितना बचेगा, पीछे का 2727 तो सब जीरो हो जाएगा, पॉइंट के इधर जो बचा है 7 में से 1 गया 6 और 2 और 1, तो 99x बराबर आ गया 126, तो x बराबर कितना आ जाएगा 126 अपॉन में 99। ठीक है, ये 99 नीचे चले जाएगा। अब अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता तो कर दो, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। तीन के टेबल से दोनों जा रहे हैं, तीन के टेबल से 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और नीचे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ठीक है, अभी भी कट रहे हैं, हाँ तो कट रहे हैं, 3 के टेबल से 11 बार में, 3 के टेबल से 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो एक्स की वैल्यू आ गई 14 अपॉन 11, ये हमारा आंसर। तो कोई दिक्कत होगी इसमें, नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 है, एग्जाम्पल नंबर 9 में भी यही है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें कह रहा शो दैट 0.235 बार। अब ये जो बार है ना इसमें वो 3.5 के ऊपर है, मतलब यहां पे रिपीट क्या हो रहा है, 3.5 3.5 3.5 ऐसा हो रहा है, बन रहा 0.235 बार। बार जो इसमें वो सिर्फ 3 और 5 के ऊपर है, 2 के ऊपर नहीं है। ठीक है, यहां पे जो बार है वो 2 के ऊपर नहीं है, सिर्फ 3 और 5 के ऊपर है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जिसे हम जैसे हमने अभी तक सारे के सारे क्वेश्चन किए हैं। यहां भी x के बराबर रख लेंगे 0.23535, यहां भी डिजिट कितने रिपीट हो रहे हैं, 2। ठीक है, तो जैसे 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो क्या करेंगे हम इसमें, कि वही फिर से 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 1 के पीछे 2 जीरो ही लगाने पड़ेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x बन जाएगा और ये बन जाएगा दो, ये पॉइंट जो है 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा 23.535 35, ऐसे चलेगा 23 पॉइंट, ये 2 डिजिट उधर खिसक गया तो 23.535 35 ऐसे बन जाएगा। फिर से सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन वन को इक्वेशन टू में से, तो 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 23.535 35 माइनस 0.23535। ठीक है, अभी तक हमने जितने किए ना उसमें क्या हो रहा था कि पॉइंट के उधर के सारे माइनस होते जाते थे, पॉइंट के उधर के सारे माइनस हो रहे थे, पर इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें पॉइंट के उधर के सारे माइनस नहीं होंगे, इसमें ये 3.5 वाले तो माइनस हो रहे हैं, 3.5 3.5 ये तो इससे माइनस हो रहे हैं, पर ये जो ये वाला बच गया ना यहाँ पे पूरे पूरा माइनस नहीं होगा, यहाँ पे 5 में से 2 माइनस करोगे तो बचेगा 3 पॉइंट और 23 में से 0 माइनस करोगे तो 23, यहाँ पे आएगा 99x। ठीक है, इस बार क्या होगा कि x इज इक्वल टू 23.3 अपॉन में 99। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 0, जब पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 आ जाता है। ठीक है, 23 के इसमें से 3 पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे क्या लगाएंगे, एक 0, 99 के साथ क्या लगाएंगे, 0, तो ये हमारा चेंज हो गया 233 अपॉन में 990, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अभी हमने ये सीखा कि 2 डिजिट रिपीट होने वाले को भी कैसे निकालते हैं, तो बिल्कुल सेम तरीका है जैसे हमने अभी सारे के सारे क्वेश्चन किए। तो कैसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स को फ्रैक्शन में यानी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ये बात हमने सीख ली है। ठीक है, अब हमें क्या सीखना है, अब हमें सीखना है कि दो
दो रैशनल नंबर के बीच में हम इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। इससे पहले अभी तक हमने क्या सीखा था, जो हमने 1.1 एक्सरसाइज में सीखी थी कि दो नंबर रैशनल नंबर्स के बीच में और रैशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं। अब हमें दो रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालना सीखना है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक काफी काफी इंपॉर्टेंट था, तो ये आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं कि दो रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 10 कह रहा, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7, ठीक है। दो हमें एक इरेशनल नंबर निकालना बिटवीन 1/7 एंड 2/7, ठीक है। तो 1/7 एंड 2/7 के बीच में हमें एक इरेशनल नंबर निकालना है। इसमें एक निकालने के लिए बोला है, हम जितने चाहें उतने निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले इनको हमें डेसिमल फॉर्म में चेंज करना पड़ता है, ठीक है। डेसिमल फॉर्म में इनको चेंज करना पड़ता है। 1/7 को जब आप डेसिमल फॉर्म में चेंज करोगे तो ये आएगा 0.142857 बार, ठीक है। ये तो मैंने लिख दिया, पर आप जब डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड करके देख लो, ठीक है। यहाँ 1, यहाँ 7, तो 0 0 पॉइंट लगेगा, 0 आएगा, 7 बन जा 7, बचेगा 3, फिर से 0, 7 4 जा 28, बचेगा 2, फिर से 0, 7 2 जा 14, बचा 6, 0 7 8 जा 56, कितना बचा 4, 0 7 5 जा 35, कितना बचा 5, 0 7 7 जा 49, और फिर क्या आ गया 1। तो हमने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पहुंच गए, कि 1 से स्टार्ट किया था 1 पे पहुंच गए, इसलिए हमारे इसके ऊपर अब इसके आगे जो होगा रिपीट होना चालू हो जाएगा। कोई नंबर कब रिपीट होना चालू हो जाता है कि जहां से हमने स्टार्ट किया था वही डिजिट वापस आ जाए, तो उसके बाद वो रिपीट होना चालू हो जाता है। तो आप इस पूरे के ऊपर बार लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 1/7 की वैल्यू, और 2/7 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 2/7 को भी आप ऐसे ही डिवाइड करके जब निकालेंगे तो कितना आएगा 0 पॉइंट, आप यहां पे लिख सकते हैं ऐसे 417582 बार, ठीक है। ये मैंने कैसे किया वो एक्सरसाइज में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। आप चाहो तो यहां पे फिलहाल निकाल के देख लो, 27 0 पॉइंट 0 7 2 जा 14 6 0 7 8 जा 56 4 0 7 5 जा 35 5 0 7 7 जा 49 1 0 7 1 जा 7 3 0 7 4 जा 28 2। तो वहीं पे पहुंच गए, 2 से स्टार्ट किया था 2 पे पहुंच गए, तो ये हमारा आ गया 0.285714, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा बार, ठीक है। तो ये 1/7 की वैल्यू आ गई और ये 2/7 की वैल्यू आ गई। हमें क्या करना है, इनके बीच में एक इरेशनल नंबर लिखना है। तो इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7, आर क्या होंगे। तो मैंने अभी आपको इरेशनल नंबर बताया था कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पैटर्न वाले नंबर होते हैं, ठीक है। इनके बीच में उनमें क्या होता है, पैटर्न, आप कुछ पैटर्न बना देते हैं जो कभी खत्म भी नहीं होते और कभी रिपीट भी नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। आपको एक ऐसा ही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर इनके बीच में बनाना है, ठीक है, वही आपका इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 0.142857 और 0.285714, तो इनके बीच में कितने का गैप है, 14 से लेके 28 के बीच में, ठीक है। 14 से लेके 28 के बीच में आप कोई सा भी ऐसी एक बना सकते हैं, कि मैं अगर ले लेता हूँ 16,
वन फोर से लेके टू एट के बीच में होना चाहिए, यानी 14 से बड़ा और 28 से छोटा, ऐसा कोई सा भी ले लो। हमने 16 ले लिया कि 0.16, फिर मैंने लिख लिया 166, फिर मैंने लिख लिया 1666। आप ऐसा कुछ भी बना सकते हो, ऐसा कुछ भी पैटर्न, आपको पैटर्न बनाना है ऐसा। मैं ले लेता हूँ 170, 1700, 1700। मतलब जो आगे की डिजिट है ना वो इनके बीच में होनी चाहिए बस। 28 से बड़ा मत लेना और 14 से छोटा नहीं लेना, ठीक है? इनके बीच में कुछ भी ले लो तो वो आपका सारे के सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर। तो हमें एक बोला जाए चाहे हमें 100 बोले जाए, हम निकाल सकते हैं इनके बीच में। तो दो रैशनल नंबर के बीच में हम इरेशनल नंबर इस तरीके से निकालते हैं, तो ये काफी इजी है, ठीक है? तो अब हम इसी के साथ हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पर।